जी सरकार, जी सरकार। लीजिए पंता जी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। वो क्या कहते हैं आप, हाँ हर कुत्ते का दिन आता है। हाँ अंता जी, थोड़ी देर पहले हम इसका मजाक उड़ा रहे थे और अब हम खुद ही मजाक बन गए। सरकार कुछ दिन पहले तक रत्नाकर के नौकर नंदलाल से हमारी तुलना करते थे और अब ये नई बला आ गई है। ऐसा लगता है जैसे हमारी तो ना औकात है ना किस्मत। साईं, लोग ये क्यों नहीं समझते, क्यों हंसते मुझ पर? क्या पत्नी के घर पे रहना पाप है, गुनाह है? बताइए साईं। अगर कोई इंसान अपनी पत्नी के घर में रहता है, अपनी ससुराल में रहता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुफ्तखोर है, उन पर आश्रित है। और किसी के बारे में भी कोई राय बनाने से पहले उसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। आप लोगों ने ये तो देख लिया कि ये अपनी पत्नी के घर में उसके साथ रहता है, घर जमाई है, पर क्या आपने कभी ये देखा कि ये कितना अच्छा पति है, कितना अच्छा दामाद, कितना अच्छा इंसान है ये, कितने अच्छे इरादे हैं इसके? किसी का मजाक उड़ाने से पहले क्या ये बात आप दावे से कह सकते हैं कि आप इससे बेहतर पति हैं, इससे बेहतर दामाद हैं, या इससे बेहतर इंसान हैं आप? और क्या आप में समाज के बनाए नियम, इन रीति रिवाजों को तोड़कर अपनी पत्नी या उसके परिवार की मदद करने की इच्छा है? बोलिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है साईं। अगर मेरे पति मेरे माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो इसमें इन्हें क्या परेशानी है? न जाने कैसी धारणा है ये कि पत्नी के परिवार से सेवा तो ली जाती है पर उनकी सेवा कोई नहीं करना चाहता। आपने बिल्कुल सही कहा साईं, हमें ससुराल में अपना फर्ज निभाते निभाते सालों तक मायके जाने का मौका ही नहीं मिला। कितना अजीब है ना, अगर कोई आदमी किसी औरत की मदद करता है तो समाज में उसका मजाक बनाया जाता है, क्यों? सबसे पहले तो इसने अपनी पत्नी के परिवार को भी अपना परिवार समझा, उनका भी वही सम्मान वही इज्जत की जो अपने परिवार की करता है। बताइए बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सच्चे मन से यह स्वीकार कर सकें कि वो अपनी पत्नी के परिवार को अपना परिवार ही मानते हैं? बोलिए। अपने प्रियजनों की मदद करने के लिए समाज के बनाए हुए खोखले मानदंडों को तोड़ने के लिए एक नए तरीके के चिंतन, एक आत्मविश्वास, एक नए दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इसने अपनी पत्नी और उनके परिवार के लिए जो कुछ भी किया वो पूर्णतः निस्वार्थ है और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है पूरे समाज के लिए। इसी से पति पत्नी के संबंधों में एक नई ऊर्जा आएगी, उन्हें एक नया अर्थ मिलेगा, एक सही अर्थ मिलेगा, एक संपूर्ण अर्थ मिलेगा। देखा आपने मेरे दादा क्या क्या करते हैं मेरे लिए? मुझे इस बात का एहसास है और मैं इनके प्रयासों की सराहना भी करता हूं, मगर मैं एक शिक्षक हूं, ये सब हिसाब किताब मुझसे नहीं होगा। सुन लिया दादा तुमने, ये नहीं बदलेंगे। इस आदमी को आगे बढ़ने की कोई महत्वाकांक्षा, कोई चाह नहीं है। नहीं चीयू, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, आपके साथ काम करने वाले लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं, लोगों ने अपनी अपनी पाठशालाएं खोल ली और आप आज भी गांव की उस पाठशाला में नौकरी करते हैं। एक बात बताइए आप मुझे, आपने आज तक मुझे दिया ही क्या है? हार अंगूठी ये तो दूर की बात है, कभी एक छोटा सा फूल भी दिया है मुझे आज तक? फूल? अरे हमारे घर के बगीचे में इतने सारे फूल हैं, वहां से ले लेती तुम।
लेकिन जीव फूल का मेरे काम से क्या मतलब? मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ जबकि करोगे तुम ये काम करोगे तुम मेरे बहन के योग्य हो यह सिद्ध करने के लिए ये सब कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। यदि तुम मेरे बहन को खुश रखना चाहते हो तो तुम्हें यहां से ही आरंभ करना पड़ेगा। लेकिन जाने दो दादा, इनके बस की बात नहीं है, ये अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है जीवू, ऐसा नहीं है। मेरी बहन की आंखों में आंसू देख रहे हो ना विश्वनाथ, वो केवल तुम्हारे कारण है। तुम यहां इसलिए आए थे कि जीव के साथ समय बिता सको जी, तब ये आवश्यक हो जाता है कि तुम वो करो जिससे तुम्हारी पत्नी प्रसन्न हो। जीव, हरिओम हरिओम। इसलिए तुम्हारा कार्य आज से आरंभ। और हां, अंग्रेज महारानी के मुकुट के लिए सोने के संग्रह का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। स्मरण रहे, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, हर घर से 3 तोला सोना आना चाहिए। हरिओम। शेष अंता पंता तुम्हें बता देंगे। समझ गए तो काम बहुत आसान है। वसूली करते समय केवल इतना याद रखना है कि लोगों के दिलों में कुलकर्णी सरकार का खौफ बना रहे। गांव वाले 3 तोला सोना या उतना ही पैसा हमें दें, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प ना हो। गांव वाले सपने में भी हमें ना करने का साहस ना कर सकें। अब आप देखिए हम लोग काम कैसे करते हैं। अंतापंता जी, एक एक करके गांव वालों को बुलवाइए। जी मुनिम जी। मोहन, सोना लाए हो? नहीं, मेरे पास सोना नहीं है। क्या मतलब है इसका कि तेरे पास सोना नहीं है? हाँ, सरकार का हुकुम है, तू इंतजाम क्यों नहीं किया अब तक? थोड़ी और मोहलत दीजिए। एक महीने पहले मैंने मेरी बहन की शादी की, जो पैसा था सब शादी में खर्च हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। सुनिए, अगर इन्हें कुछ दिन का समय दिया जाए तो सरकार का नियम सबके लिए बराबर है, किसी एक के लिए नियम नहीं बदलेंगे। हमें 3 तोला सोना चाहिए तो चाहिए, चलो जाओ यहां से। अंता जी, पंता जी, क्या हम लोग थोड़ा सा भी रहम? सखाराम, सोना लाए हो? हाँ। जाओ मुनिम जी को दो। ये तो कम है, 3 तोला सोना, एक रत्ती भी कम नहीं। और निकालो। कंगन भी दे। गहनों के नाम पर इतना ही शेष है, ये भी ले लीजिएगा। देखिए इनकी हालत बहुत खराब लग रही है। अंता जी, ये सिर्फ जोरू का गुलाम नहीं, पूरी दुनिया का गुलाम है। सरकार ने चाहे जो कहा हो, लेकिन हम इसे अपने अधीन काम करने वाला ही मानेंगे। चाहे कुछ भी हो, कंगन दे दो मुनिम जी को। अब ठीक है, सखाराम के यहां से 3 तोला सोना प्राप्त हुआ। जाओ। लाना। Thank you.
दादा ये क्या कर रहे हैं आप? दूध में पानी क्यों मिला रहे हैं? क्या तुम्हें याद नहीं, हमें 3 तोला सोना देना है। हाँ लेकिन उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दूध बेचना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, गाय तो उतना ही दूध देगी जितना वो हमेशा देती है, इसलिए करना पड़ेगा। छोटे ये अपने घर के लिए है, शुद्ध और बिना मिलावट का, इसलिए इसे अलग रखा है, जाना तो इसे अंदर रख के आना। भिक्षाम दे। प्रणाम साई। राम जी भला करे। मैं अभी आया साई। ये लीजिए साई। खंडू सोना लायो। मेरे पास सोना नहीं है। तो 3 तोले सोने के बदले पैसे दो। मेरे पास इतने ही है। ये क्या मजाक है? हम लोग क्या भीख मांगने बैठे हैं क्या? तो क्या मैं भीख मांगने निकलूं? मेरे पास इतने ही है, मैं और क्या करूं? देखिए अभी जो है उसे ले लेते हैं, अगर इनके पास नहीं है तो इतने से ही काम चला लेते हैं। धन्यवाद, कम से कम आपने तो मेरी मजबूरी समझी। उधर नहीं, इधर बात करो। नियम तो नियम है, और भीख मांगने की जरूरत क्या है? सरकार है ना, वो तुम्हारे हिस्से का पैसा दे देंगे और तुम उन्हें ब्याज समेत लौटा देना। नहीं नहीं, मैं सरकार से पैसे नहीं लूंगा। सरकार से लिए तो जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। आप कुलकर्णी सरकार के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें अपने काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जब हम गांव वालों से बात कर रहे हो, बीच में बोलने की, दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सतीश, आपकी बात सुनके तो मैदान छोड़ के भाग खड़ा हुआ दामाद जी। अंता जी, अब पता चल गया कि चूताई ससुराल में रहना क्यों नहीं चाहती है। ऐसे आदमी का होना ना होना सब एक बराबर है। रुकिए साई, साई, साई। हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप बिना भिक्षा लिए ही जा रहे हैं, क्या आप हमसे नाराज हैं? तुम दूसरों को जो भिक्षा देते हो, क्या वही वस्तुएं तुम खुद भी प्रयोग में लाते हो? हाँ साई, हम जो फल सब्जी हम जो खाते हैं वही आपको देते आए हैं, हम आपको अलग कैसे दे सकते हैं? फिर उस बाहर रखे दूध का क्या, जो तुमने ग्राहकों को बेचने के लिए रखा है?
जो दूध तुम अपने बच्चों को पीने के लिए देते हो, क्या इस बेचने के लिए रखे दूध में भी वही गुणवत्ता, वही शुद्धता है? आपको कैसे? लोग तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन तुम अपने पेशे से ही बेईमानी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो तुम ग्राहक को। और ग्राहक तो भगवान होता है ना। क्या करें साई, हर घर को 3 तोला सोना देना है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही समय। हम लोग वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। अगर कोई गलत करेगा तो क्या तुम भी वही करोगे? बोलो। तुम्हारी अपनी नैतिकता का कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं। सोचो, अगर हर इंसान अपने सुख सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म का रास्ता त्याग कर अधर्म का रास्ता अपना ले, तो फिर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये कैसा संसार, ये कैसी दुनिया देकर जाएंगे? आज तुम दूध बेचने में बेईमानी कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो दूध में। कल कोई और बेईमानी करेगा, मिलावट करेगा, ऐसे ही हर इंसान मिलावट करता जाएगा, संसार भर में बेईमानी हो जाएगी और शिरडी के सामने फिर एक बार वही समय आएगा जो अभी से कुछ दिन पहले था। सब लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। एक बात याद रखो, किसी भी तर्क के आधार पर गलत को सही सिद्ध नहीं किया जा सकता। मुझसे गलती हो गई साईं, मैं आपसे वादा करता हूं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। काका, एक आने का दूध दो। अभी देता हूं बेटा। रुकिए, मैं देता हूं। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही फल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ये क्या कर दिया तूने छोटे? वो दूध क्यों दिया? वो तो हमने हमारे घर के लिए रखा था। दादा, मिलावट वाला दूध ग्राहकों को देकर हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही समझाया था ना, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? 3 तोला सोना देना है। साई ने हमारी गलती बता दी है मुझे। कोई भी चोरी छोटी नहीं होती, हीरा चोर या खीरा चोर, चोर चोर होता है। अगर हम आज कोई भी अनैतिक काम को छोटा और उचित ठहराने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब बड़ा पाप करते समय शायद किसी का हाथ ना कांपे। और आप अपने घर के बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? क्या यही भविष्य देना चाहते हैं? शुक्रिया साई, आपने हमें अधर्म के रास्ते पे चलने से रोककर पाप का भागीदार बनने से बचा लिया। सबका मालिक। कौन है ये? साई।
अगर ध्यान लगाना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, फिर केवल उसी काम पर ध्यान लगाना होगा जो करना है। वो काम कैसे होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इस बारे में सोचना भी नहीं है। बस काम करना है, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। और एक बार ध्यान लगाना आ गया तो फिर चाहे बाहर ढोल बजे या बिजली गिरे, तुम्हें कोई विचलित नहीं कर पाएगा, तुम्हारा ध्यान कोई नहीं भटका पाएगा। पर मैंने बहुत कोशिश की साई, मुझसे नहीं होता। अभ्यास से कुछ भी संभव है लक्ष्मी, परीक्षा में थोड़ा ही समय शेष है। चलो मैं तुम्हें ध्यान का अभ्यास कराता हूं। आसन याद है ना? ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो और एक सफेद प्रकाश की कल्पना करो। उस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो अपना, उस प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करती जाओ। बाहर की सारी ध्वनियों को अनसुना कर दो। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? जी प्रणाम सरकार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे ओ माँ, आओ रखो। अरे ओ केशव, आ बेटा। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी चीज लेके आऊंगा कि जिसे देख के तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले तुम्हारे मित्र तुमसे मित्रता करने के लिए आगे पीछे दौड़ेंगे। ये है वो वस्तु। लोगों के लिए तुम आकर्षण का केंद्र बन जाओगे केशव। हाँ, लोग ईर्ष्या करेंगे तुमसे, जलेंगे। वो चीज है ये, मैं खोल के दिखाता हूं तुम्हें। इसे कहते हैं ग्रामोफोन।
ये गीत संगीत सुनाने वाला यंत्र है, विदेशी विदेशी यंत्र है ये। इसे देखेंगे ना तुम्हारे मित्र तो जलेंगे तुमसे, ईर्ष्या करेंगे तुमसे। रत्नाकर राव थे ना, उनके घर देखा था मैंने ये यंत्र ग्रामोफोन। देखो इसे ऐसे घुमाते हैं, देखो क्या लाए हम। ये क्या है सरकार? बताता हूं क्या है। अरे गधो मेंढको, ये भूत नहीं है, ये गीत संगीत सुनाने वाला यंत्र है। भाग गए गधे कहीं के। मैंने अपना पार्ट दोहरा लिया साई, सब याद हो गया मुझे। जानते हो इस बार मेरा ध्यान कहीं नहीं भटका। तुम्हारे पास तो हर समस्या का हल है। लक्ष्मी एक बात हमेशा याद रखना, सफलता उसी को मिलती है जो कभी विचलित नहीं होता। अब जाओ और परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर ध्यान से देना। ठीक है साई। है कि नहीं अद्भुत? बोलो। गांव में ना इसे किसी ने देखा होगा ना सुना होगा इसके बारे में। सच पिताजी? तो फिर आप वापस बताए ना, इसे कैसे बजाते? बताता हूँ। पहले से बाहर रखते हैं, इसे यहाँ ले जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। फिर ये ऐसे इसको घुमाया जाता है, बहुत आसान है पिताजी, मैं सीख गया। अब मैं इसे अपने दोस्त को दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अरे इसीलिए तो मंगवाया है, बहुत महंगा है ये। लेके जाओ लेके जाओ। अच्छू अंता पंता को बुलाओ, ये अकेला नहीं उठा पाएगा। जाओ बुलाओ, वो तो ऐसे भाग गए जैसे गधे के सिर से सिंह। भूत के चक्कर में कहीं गांव छोड़ के तो नहीं भाग गए? देखो। क्यों परेशान हो रहे हो दादा, लौट के बुद्धू घर को ही आएंगे। वैसे दादा अगर किसी को केशव के साथ भेजना है ना तो इन्हें भेजो, ये तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसे घुमाने कब ले जाएंगे, है ना? अच्छा। उपाजी लोग तो अपने भतीजे को बहुत चाहते हैं, है कि नहीं? जा रहे हैं तो जाइए जाइए, लेकिन ध्यान रखिए इसका कहीं ये टूट न जाए। डरपोक मैंने कहा था ना तुम्हें,
कि तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी चीज लेके आऊंगा जिसे देख के तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले तुम्हारे मित्र तुमसे मित्रता करने के लिए आगे पीछे दौड़ेंगे। ये है वो वस्तु। लोगों के लिए तुम आकर्षण का केंद्र बन जाओगे केशव। फूफा जी, ग्रामोफोन निकालिए। सितार की आवाज कहाँ से आ रही है? केशव, क्या ये तुम्हारे पीछे से आ रही है? पीछे से नहीं, इससे आई आवाज। इसे ग्रामोफोन कहते हैं। सितार, तबला, बांसुरी, गीत सब इसके अंदर है। मतलब तुम बोल रहे हो कि धुन के सारे सजिंदे इस बक्से के अंदर छुपे हुए? झूठ मत बोलो, कुछ भी बोलता है। अरे सच बोल रहा हूँ, नहीं मानना है तो मत मानो। वाह यार, ये तो बड़ी मजेदार चीज है। मेरे पास और भी बहुत कुछ है सुनाने के लिए। तो वो सुनाओ ना। हाँ हाँ सुनाओ ना, सुनाओ ना। लोगों के चकित होने पर केशव को गर्व महसूस हो रहा है। जब पिता ही किसी बच्चे को गलत सीख दे तो इसमें बच्चे का दोष ही क्या हो सकता है। अरे ये रुक क्यों गया? ये खराब हो गया क्या? अब नहीं बजेगा? अरे परेशान मत हो, अभी फिर से बजने लगेगा। ये धुन कहां से आ रही है और सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज मुझे बुला रही हो।
साई है ना? आप ये धुन कैसे जानते हैं? कुलकर्णी सरकार ने वो यंत्र तो आज ही मंगवाया है। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि संगीत प्रकृति ही बनाती है, मानव नहीं। सारे स्वर हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, चिड़ियों की चहचहाट से लेकर भौरों के गुंजन तक, मेघों के घुमड़ने से लेकर बिजली की चमक, और बिजली की चमक से लेकर नदियों की कलकल तक। सारा संगीत हमें इस वातावरण, इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड से ही प्राप्त होता है। उसी के आधार पर हम धुन बनाते हैं, गीत बनाते हैं। इसलिए संसार में कहीं भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति एक है। इसलिए संगीत में समानता अवश्य मिलती है। संसार में कहीं भी जाओ, सुर साथ ही होते हैं और एक ही समान होते हैं। इसलिए संसार का कोई भी गायक, कोई भी वादक प्रकृति के सामने बौना ही है। क्या आपने ये धुन प्रकृति के संगीत को सुनकर सीखी? ये कैसे संभव है? अपनी आंखें बंद करो और अपने आसपास के वातावरण, इस निसर्ग को सुनने का प्रयास करो। साई, ये कैसा संगीत आपने मुझे सुनाया? मैं अंदर से बहुत थका हुआ था, परेशान था, विचलित था, मगर इस संगीत ने मेरे अंदर की हलचल को बिल्कुल शांत कर दिया। मैंने सुबह आपकी झलक देखी थी, आपने जो कहा था मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। नए हो शिरडी में? जी, मैं कुलकर्णी सरकार का बहनोई हूं। तुम्हारा असली परिचय ये है कि तुम एक नेक और अच्छे इंसान हो। धन्यवाद साई, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। मैंने जो कहा उसकी अवमानना कोई नहीं कर सकता। प्रेम, सबके नाम पे 3 तोला सोना चढ़ा दो, ऋण के रूप में मैं इन्हें धन दे रहा हूं। सबका खाता खोलो। चलो
एक एक करके आओ और अंगूठा लगाओ बही पर। साई, मेरा छोटा भाई है ना साई, वो बहुत बीमार है। पिताजी ने कहा है कि मैं आपसे विभूति मांग कर ले आऊं साई। शाम को आकर बताना कि उसकी तबीयत अब कैसी है। ठीक है साई। अब जाओ। चाचा, क्या अलग से निमंत्रण दूं तुम्हें? अंगूठा लगवाओ। मैं आपके पिता के उम्र का हूं सरकार, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था, बेटियों की शादी और पत्नी की बीमारी में खत्म हो गया, और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। किसी तरह से गुजर बसर हो रहा है। यह तो भगवान का शुक्र है कि लोगों के सामने हाथ फैलाए बिना एक जून की रोटी का जुगाड़ कर लेता हूँ सरकार। यह 3 तोला सोना मैं कहाँ से लाऊं? कर्ज ले भी लूं तो चुकाऊं कैसे सरकार? हरिओम हरिओम। बहुत दुख हुआ चाचा तुम्हारी ये राम कहानी सुनकर। दर्द हुआ दर्द तुम इस अवस्था में देख के। चाचा, मैं ढकेलना नहीं चाहता हूं तुम्हें ऐसी अवस्था में, लेकिन क्या करो तुम ही बताओ। अंग्रेज सरकार का आदेश जो है और उसकी अवहेलना मैं नहीं कर सकता हूं चाचा। हरिओम, मुझे क्षमा कर दे सरकार। अगर आज मेरे ये पैर ठीक होते, ये पैर मेरा साथ देते, तो आज भी मैं गांव में घूम के काम मांग करके आने दो आने तो जरूर कमा लेता। हाँ हाँ। और कुछ न कुछ पैसे जुटा सकता था, लेकिन क्या करूं, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ सरकार। हरिओम हरिओम, क्या हुआ तुम्हारे पैरों में? क्या बताऊं सरकार, घर का छप्पर ठीक कर रहा था, ऊपर से गिर पड़ा। बुढ़ापे की हड्डी तो है ही है, दर्द कम ही नहीं हो रहा है। चाचा, तो उपचार के लिए क्यों नहीं आए तुम? लेप लगवा दिया होता तो अब तक दौड़ने लग चुके होते तुम। मेरे पास उपचार के पैसे नहीं है सरकार। हरिओम हरिओम। चाचा, ये आवश्यक नहीं है कि हर उपचार में पैसे लगे। मैं तुम्हें लेप देता हूं, उसका कोई पैसा नहीं लूंगा मैं तुमसे। हरिओम। ऐसा क्या तो सरकार, ये लेप मुझे दे दीजिए ना। अरे ये क्या है, रुको मैं देता हूं तुम्हें, लो लो लो। लो।
ले लो, लेप ले लो। मिल गया लेप से। चाचा जी, चाचा जी, इस गांव में रहना भी है और सरकार को धन भी नहीं देना है, मुफ्त में औषधि भी चाहिए। लेकिन चाचा जी, मुफ्त में केवल परेशानी मिलती है। ए, चौप, एकदम चौप। कुलकर्णी सरकार का आदेश पत्थर पे खींची वो रेखा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। हरिओम। सोना देना पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या अपाहिज, सबको देना पड़ेगा। जा। छिपरी, इन प्रश्नों का उत्तर ध्यान से देना, ठीक है? चिंता मत कीजिए अध्यापक जी, मैंने साई से वादा किया है, इस बार मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं बच्चे कहां रह गए। जिपरी, तुम परीक्षा दो, मैं अभी आता हूं। भिक्षा दे माई, माई भिक्षा दो। साई, प्रणाम। साई, दुख दर्द अधिक समय तक नहीं रहते। साई, उम्र हो गई है और वैसे भी ये बुढ़ापा अपने आप में ही एक भयंकर रोग है। इस उम्र में कितना भी इलाज करवा लो, जोड़ों का ये दर्द नहीं जाता है। ऊपर से कुलकर्णी सरकार के अत्याचार। मुझे पता है साईं कि जब तक अभी मेरी सांस चलेगी, मुझे इस दर्द के साथ में ही जीना पड़ेगा। श्रद्धा और सबरी रखो, ईश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है। अच्छा, चलता हूँ साईं। दो साई पार, काम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता हो मोरे तारणहार, परम ज्ञान।
साई जानबूझकर उस बूढ़े आदमी के पैरों के निशान पर अपने कदम रखकर क्यों चल रहे हैं? साई, मैं चल सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ है ही नहीं। राम जी भला करे। पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आज मैं पहली बार अपने आप को इतना चुस्त और दुरुस्त महसूस कर रहा हूँ साई। भटकने वाले बच्चों में से नहीं है मेरा राघव। देखिए आज ना जाने कहाँ रह गया वो। और दिन होता तो कोई बात नहीं थी। छोटू की तबीयत बिगड़ रही है, उसे भेजा था उड़ी लाने के लिए साई के पास, लेकिन अब तक नहीं आया वो। आप जरा यहाँ छोटू का ध्यान रखेंगे, मैं अभी द्वारका मई से आता हूँ। साई, प्रणाम साई। राम जी भला करे। राघव आया था आपके पास उदी लेने? हाँ, और वो तो कब का उदी लेकर गया? गया? तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? वो ऐसी लापरवाही तो कभी नहीं की। रुको, उदी लेकर घर जाओ, इसे पानी में मिलाकर छोटू को देना। मैं राघव को ढूंढकर घर भेजता हूं। प्रणाम साई। राम जी भला करें। अरे आए कपड़े धोते धोते कहां चली गई साई? साई आपने मेरे विद्यार्थियों को कहीं देखा है क्या? आज उनकी परीक्षा है, पर झिपरी को छोड़कर कोई भी विद्यालय नहीं पहुंचा। नहीं श्यामा, पर बात कुछ अजीब है, क्योंकि गांव का एक और बच्चा अपने घर नहीं पहुंचा है। आओ आओ, बहनी सब्जी लेने गई है, अब तक नहीं आई है, खाना कैसे बनेगा? मैं अभी जाकर देखता हूँ।
अली, भीमा, बबलू, तुम लोगों की आज परीक्षा थी ना, और तुम लोग यहां खड़े हो। राघव, तुम तो अपने भाई को उदी देने गए थे ना? वो साई, मैं आप सब लोग तो बड़े हैं, समझदार हैं। ये छोटे बच्चे अगर इस यंत्र के लिए आकर्षित होते हैं, इनमें जिज्ञासा है, तो मैं इनकी बात समझ सकता हूं। लेकिन आप समझदार लोग अपने सारे काम धाम छोड़कर यहां? तुम अपने बैलों के लिए चारा लेने गए थे ना? तुम यहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हो और वहां तुम्हारे बेजुबान जानवर भूखे हैं? संगीता, तुम्हें होश भी है कि तुम्हारे घर में खाना नहीं बना है, क्योंकि तुम पानी लेकर अभी गई ही नहीं। तुम्हारी सब्जी बाजार में सूख रही है और तुम यहां इन बच्चों के साथ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। और आप सब धरती पुत्र, हमारे किसान, ये सब अपने काम काज छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी छोड़कर बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। तुम ये लकड़ियां लेकर अपने घर जाने वाले थे ना, ताकि तुम्हारे घर चूल्हा जल सके, खाना बन सके तुम्हारे घर। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि इस नए यंत्र के लिए, इस नई वस्तु के लिए आपका आकर्षण स्वाभाविक है, क्योंकि ये इंसान की आदत है, उसकी फितरत है। समय के साथ विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, हर दिन नए आविष्कार, नई वस्तुएं आ रही हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को भुला दें। हर बदलते दिन के साथ नई वस्तुएं आ रही हैं हमारी जरूरतों के मुताबिक, पर इस सबसे कहीं ज्यादा जरूरी है आपका अपना काम, जो कि आपका इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है आपकी। एक बात हमेशा याद रखना, आविष्कार सिर्फ एक साधन है मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का, उसके जीवन को सरल बनाने का। लेकिन जब कभी ये साधन हमारे लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि कमी साधन में नहीं, कमी हम में है। विज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन उसका उपयोग है मनुष्य को मनुष्य के करीब लाने में। पर जब वस्तुएं ही हमारे बीच दीवार बनने लगे, तो फिर यह हमें निर्धारित करना होगा कि ये वस्तुएं हमें नियंत्रित करेंगी या हम इन वस्तुओं को।